हेलो गाइस, आर से वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ऑन माय चैनल। और गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे GTA 5 में एड ऑन मॉड्स इंस्टॉल कर सकते हो एकदम आसानी से। ऐसा भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, पूरा इंस्टॉलेशन देखना कि कैसे करना है। अगर आप बीच से चले गए तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे मॉड इंस्टॉल करना है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। और आपको ये वीडियो देख के आप मॉडिंग सीखे तो लाइक भी मार देना, और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अभी गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको कोई भी मॉड ले लेना है, आपको जो भी डालना है, कोई भी गाड़ी। मैं गाड़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं गाइस अपने मॉड फोल्डर में पहले जाता हूँ। तो गाइस मैंने ये सिलेक्ट किया अपना मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। तो इसके लिए आपको बस विनरार लगेगा इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपके विनरार नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उधर से डाउनलोड कर लेना। और सेकंड सॉफ्टवेयर जो हम लोग को लगेगा वो है अपना ओपन आईवी। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो चलते गाइज अपने डिज़ायर के ऊपर। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एज आ फाइल मिल जाएगा फोल्डर के फॉर्मेट में। और इसके अंदर आपको दो फाइल मिलेंगे, एक एड ऑन के लिए और एक आपको TXT फाइल मिलेगा जिससे आप लोग कमांड लाइन आप डाल सको। इधर गाइज ये है DLC फाइल। तो गाइज हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको करना है कॉपी और आपके GTA 5 के मेन डायरेक्टरी में आप चले आना। और यहाँ पे आपको मॉड्स में जाके अपडेट में Into 64 और DLC पैक्स में इधर पेस्ट कर लेना। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए इधर रिप्लेस का आ रहा है, तो आप लोग इधर पेस्ट कर लेना। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो में मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है मॉड्स का। लेकिन अगर इसके पहले का पार्ट आपको देखने की, ये कैसे मॉड फोल्डर बना और scriptook5.net मॉड मेन्यू ये सब कैसे डाला, तो आपको YouTube पे सर्च करना पड़ेगा कि हाउ टू इंस्टॉल मॉड मेन्यू, ताकि आप लोग स्टार्टिंग का पहला पार्ट जान सके। और ये सेकेंड पार्ट मतलब ये दूसरा स्टेप रहता है मॉडिंग का कि एड ऑन व्हीकल डालने के लिए। तो अगर आपका ये मॉड फोल्डर नहीं है तो आप लोग डू वो वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो गाइस ये कॉपी कर लेने के बाद हम लोग को ओपन करना अपना ओपन आईवी। और इसको गाइस आपको ओपन करने के लिए 5-10 सेकंड लगेंगे, ये टोटली गाइस आपके GPU के ऊपर डिपेंड है। तो गाइस ओपन आईवी खुलने के बाद हम लोग को ऐसा देखने को मिल जाता है ऐसा पेज। तो सबसे पहले ऊपर आप ये टिक मार्क देख सकते हो, इधर ये आपका ASI मैनेजर है तो ये आपको खोलना है। और इधर तीन चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ये तीन चीज़ पहले आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और उसके बाद अगर आपको आ जाना है आपके GTA 5 के मेन डायरेक्ट्री में, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो मॉड्स का फोल्डर इधर प्रेजेंट है। तो इसको खोलने के बाद आपको आना है अपडेट में, update.rpf कॉमन डेटा। और गाइस इधर आपको पूरा नीचे स्वाइप कर लेना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले एडिट मोड ऑन कर लेना है, ताकि जो भी चेंजेस रहे आपके मॉड फोल्डर में हो जाए। और यहाँ पे गाइस हम लोग को राइट क्लिक करके एडिट पे दबाना है DLC लिस्ट को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने बहुत सारा मतलब एड ऑन कार डाला हुआ है इधर, तो उस सब के कमांड लाइन है इधर। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे ही हम लोग को एक ऐड करना है और ये हम लोग को अपने फोल्डर में मिल जाएगा जिधर हमने एक्सट्रैक्ट कर रखा है। तो वापस जाता हूँ फोल्डर पे जिधर मैंने स्विफ्ट डिजायर को एक्सट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे गाइस हम लोग को ये रेडमी का फोल्डर देखने मिल जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला कमांड लाइन आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, इधर एंटर दबा के नीचे इधर पेस्ट कर लेना और यहाँ पे आपको कर देना है सेव। तो यही था गाइस पूरा प्रोसेस कैसे आपको गाड़ी ऐड करना था। अभी गाइस आपका गाड़ी GTA 5 में सक्सेसफुली ऐड हो गया है, तो चलो गाइस GTA 5 के अंदर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग फाइनली अभी GTA 5 के अंदर आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पे आपको बस F8 एक बार दबाना है ताकि आपका मॉड मेन्यू लोड हो जाए। उसके बाद मॉड मेन्यू खोल के व्हीकल ऑप्शन, व्हीकल स्पॉनर और सबसे नीचे आ जाना है इधर इनपुट मॉडल में, और यहाँ पे आपको लिखना है G5 डिजायर। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा गाड़ी सक्सेसफुली लोड हो गया गेम में, जैसा आप लोग देख ही सकते हो।
तो यहाँ पे खड़ी अपनी स्विफ्ट डिजायर और कैसे परफेक्टली लोड हो गई है गेम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो गाइस यही था गाइस आज के वीडियो के लिए, और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर मारना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और मैं ऐसे GTA 5 मॉड्स की वीडियो लाता रहता हूँ, और अगर आपको यूरो ट्रक सिमुलेटर में भी इंटरेस्ट है तो वो भी प्लेलिस्ट देख लेना। तो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड पीस आउट।